हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। एंड लास्ट 2 to 3 months मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, बिकॉज पर्सनली एंड प्रोफेशनली वो मंथ्स मेरे लिए बहुत हेक्टिक थे, तो उसके लिए सॉरी। और आज की वीडियो देखिए, हम जा रहे हैं जम्मू वैष्णो देवी दर्शन करने पूरी फैमिली के साथ। बहुत मज़ा आया, तो आप लोग भी इंजॉय करिए वैष्णो देवी एंड फिर शिव खोरी हम लोग गए हैं, तो आप लोग भी देखिए और इंजॉय करिए ये व्लॉग। और ये आ गए हैं हम जम्मू रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल वेदर और इतना ब्यूटीफुल व्यू है। तो गाइस, ये देखिए व्यू, हम लोग कटरा में आ गए हैं और एक धर्मशाला लेके रह रहे हैं, तो वहाँ से ये है पूरा व्यू। और फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग आए हैं, तो इसलिए कंफर्टेबल नहीं है सब लोग खुद को दिखाने में। तो गाइस, हम लोग ने अब चढ़ाई शुरू कर दी है और मीट माय सिस्टर, आगे भी बहुत लोग हैं, बट मुझे नहीं लगता हम लोग किसी का साथ पकड़ पाएंगे, क्योंकि एज यू ऑल नो बहुत लंबी जर्नी है और हम लोग ने रात में स्टार्ट की है, तो काफ़ी अंधेरा भी है। लेट्स सी कैसी रहती है जर्नी। और ये है बाणगंगा का मेन एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे 12 किलोमीटर की। चश्मा ले लो भैया। जय माता दी। और ये है बाणगंगा रिवर, हम लोग ने चढ़ाई रात में स्टार्ट की तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई सब। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं माँ भगवती दर्शन इच्छा पूर्ण। और ये पूरी फैमिली जा रही है आगे। मेरी हालत ख़राब हो गई अभी से, अभी हम लोग अर्धकुमारी भी नहीं पहुँचे हैं, और वो देखिए हम लोग को वहाँ जाना है अभी। ओह, बट माता जी ने बुलाया है तो हम लोग ज़रूर पहुँच जाएंगे। गाइस, अभी हम लोग अर्धकुमारी नहीं पहुँचे हैं और हालत हम लोग की ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है। दीदी क्या कहती हो? बस जय माता दी, जय माता दी। और मम्मी कहाँ गई? मम्मी पीछे गई, सब आगे पीछे कुछ पता नहीं। गाइस, व्यू देखिए कितना प्यारा है। और ये अंदर ये देखिए पहाड़ गिरा हुआ है, अर्धकुमारी से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और हालत बहुत खराब हो गई है। मम्मी बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। भाभी जय माता दी, मेरे लड्डू लाल भी जय माता दी बोलते हैं। जय माता दी। गाइस, अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन बस पहुँचने वाले हैं, 3-4 किलोमीटर और बचे हैं बस। वो अब हम पहुंच गए हैं भवन, यहाँ पे लॉकर रूम में अपना सामान सबमिट करके और फिर हम जाएंगे दर्शन करने। और ये है भैरवनाथ जाने के लिए रोपवे, तो मैया जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे भैरवनाथ दर्शन करने। चढ़ाई में भी 4 पूड़ी चटनी रोटी।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। Hey guys, how are you? सागर रत्न लंच करने के लिए हमारी पूरी फैमिली आई है और मैं रास्ते में सोती ही रही हूँ। बहुत थक गए हम लोग, खाने के तो बहुत थक गए हम लोग। मम्मा देखो थक गए। तो गाइस हम लोग ने बहुत प्यारा दर्शन किया, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए आप लोग को वीडियो दिखा नहीं पाई, बट बहुत अच्छा दर्शन मिला हम लोग को। तो गाइस अब हम लोग उतर रहे हैं, हम देखिए हाथ टूटा हुआ पूरा। तो हम लोगों को उतरते वक्त सुबह हो गई क्योंकि ऊपर हम लोग को 2 घंटे वेट करने पड़े, माता जी की आरती हो रही थी। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग ने सागर रत्न में लंच किया एंड देन अब उतर रहे हैं। और मंदिर के अंदर रिकॉर्ड कर नहीं सकती थी, अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर ही रिकॉर्ड किया। आप लोग व्यू एंजॉय करिए, बहुत प्यारा व्यू था। और आप लोग अगर वैष्णो देवी नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत दिल खुश हो जाता है, मज़ा आ जाती है। ले हूँ और चाय पीने जा रही हूँ। ये रहा छोटा सा सीसीडी, यहीं से मैं चाय लाई हूँ और अब मैं चाय एंजॉय करने जा रही हूँ। जो गाइस, तो हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था इसलिए आपको नज़ारे नहीं दिखा पाए, बल्कि आप खुद चले जाइएगा ना। आप भी हो, बल्कि आप खुद चले जाना, देख लेना फोन स्विच ऑफ हो गया था। खुद चले जाना नहीं कह दूँ कि हम लोग ने जाने के नज़ारे दिखाए हैं, बाकी नहीं दिखा पाए इसलिए सॉरी। आगे सॉरी गाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं सब लोग और होटल को चेकआउट करेंगे और जा रहे हैं हम लोग शिवखोरी। हेलो एवरीवन, तो कल हम लोग उतर रहे थे तो उतरते वक्त मेरा मोबाइल एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया तो आप लोग को ज़्यादा व्यू नहीं दिखा पाए। और अब हम लोग रात में रूम लेके आ गए, यहाँ पे सो गए क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे। और अब सब रेडी हो गए हैं, हम लोग शिवखोरी के लिए निकल रहे हैं, रूम चेकआउट करने वाले हैं। तो आज शिवखोरी का व्यू आप लोग को पूरा दिखाएंगे एंड मीट माई नीज। हेलो करो, हेलो करो आप लोग भी बोलो। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस अब हम लोग शिवखोरी के लिए निकल गए हैं और हम लोग ने पूरी बस बुक कर ली है, इतने सारे लोग हैं। और ये है व्यू, आप लोग देखिए कितना सुंदर व्यू। तो अभी हम लोग शिवखोरी के लिए निकल चुके हैं और मुझे प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना। और बाकी ये देखिए पहाड़, आप लोग व्यू देखिए पूरा, आप लोग बस व्यू देखिए, आप मेरी कमेंट्री मत देखिए। देखिए कितना सुंदर व्यू है, जंगली पेड़, क्या व्यू है ना, जबरदस्त है ना। शुक्र तो अभी यहाँ से जम्मू कश्मीर से 80 किलोमीटर दूर थे, वहाँ जाते हुए लगेगा अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours। बंद कर लो, मत देखो नजारे।
रास्ता बहुत खराब है, व्यू बहुत अच्छा है गाइस। ये देखिए दर्शन करिए भोले बाबा के, सब जय भोले बाबा जय। ये देखिए झील, वाह। बंदर जय माता दी, बोलो जय माता दी। अरे ओम नमः शिवाय। वाह वाह, जो घर बना है यार, सब सब बात। वाह वाह वाह, व्हाट अ व्यू। हम लोग बहुत थक गए, गए ना तो ये। चलो साड़ी, चलो डांस कर दो, डांस कर दो। भोलेनाथ की जय। डांस कर दो, डांस। ये गाइस, वो है देखिए मंदिर, शायद लग रहा है। चुनरी बहुत बंदी है और बंदर यहाँ बहुत बदतमीज है, कुछ भी छीन ले रहे हैं। हालत खराब हो गई है गाइस बहुत ज़्यादा आज भी। या ब्रो, कैब से ही स्टार्ट है, अब 1 किलोमीटर बचा है, बहुत सुकून मिल रहा है। ये देखिए जानवर, 1 किलोमीटर पार हो जाएगा। जय भोलेनाथ। ये नया बनाया है। हाँ, सीढ़ी नहीं है। अरे लेकिन आधा किलोमीटर कम हो रहा है लगभग सीढ़ी से, इसलिए चल रहे हैं। रोहित बिल्कुल बेचारे नहीं चल पा रहे हैं। वाह, व्हाट अ लाज लगे कर रहे थे, बंद हो गया। बस खत्म, एक ही बिस्किट था, सॉरी। चलो बाय, अब ना चलो साथ में यार। देखना पॉटीज ही पॉटीज ब्रो, नीचे जाके ना मादी बना दिया है, नीचे जाके एक फोटो खिंचानी चाहिए दिन में हम लोग को। यार मछलियाँ दिख नहीं रही, लेकिन नहीं इसमें कैमरे में नहीं दिख रही। गाइस आ गए हम बोतल होटल, होटल आ गए और हम लोग खाना खा चुके हैं। हम खाना खा चुके और ये हमारा होटल होटल मैगी खाने आए हैं गाइस हम लोग। और ये देखिए व्यू, ये बस स्टैंड।
और गाइस ये हम जा रहे हैं कटरा से जम्मू, और जम्मू में हम रघुनाथ टेंपल में दर्शन करेंगे, फिर थोड़ी शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर रात की ट्रेन यहीं से जम्मू से लखनऊ। गीला हो गया रहने तो सीट गीली हो सीट गीली हो गई ये गाइस हम लोग आए हैं जम्मू में रघुनाथ टेंपल। अरे ये वाली मंदिर तो अपने उससे दिख रही थी, क्लॉक रूम से मंदिर दिख रही थी, वही है। ये देखिए यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो गनशॉट का अभी भी होल है यहाँ पे। ये पूरा सोने से बना हुआ है मंदिर का ऊपर वाला पार्ट, और ये शिवलिंग देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट थे भगवान जी, बहुत प्यारी शिवलिंग है। और ये शिवलिंग दूसरी वाली तो बहुत अच्छी शिवलिंग है। गाइस ये देखिए आप लोग ने रघुनाथ टेम्पल, बाकी तो मैंने आप लोग को दर्शन करा ही दिया है, आवाज़ मेरी आ नहीं रही होगी। ये देखिए मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है कैमरा ले जाना, तो इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं ले गई, बट बाकी सब जगह मैंने कोशिश की है, पूरी व्लॉगिंग करी, मैंने ज़्यादा कमेंट्री नहीं की है क्योंकि आवाज़ कहीं नहीं आती है और बैकग्राउंड में म्यूज़िक रहता है तो वो कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसलिए तो छोटा सा ट्रिप था ये। और अब हम लोग शॉपिंग करेंगे और फिर हमारी ट्रिप ओवर होने वाली है, तो दैट इज़ इट। अभी देखते हैं शॉपिंग व्लॉग कर पाऊँगी तो करूँगी, वरना अभी से बाय बाय। एंड मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय गाइज। फिर इसके बाद हम लोग ने शॉपिंग की और सारे इधर उधर से तो व्लॉग नहीं की, फिर ये जम्मू स्टेशन हम आ गए एंड देन इसके बाद बैक टू लखनऊ। सारे काफ़ी इधर उधर बैठे थे तो मैंने ट्रेन में कोई व्लॉगिंग, ट्रेन में अच्छा भी नहीं लगता, बहुत सारे लोग होते हैं। एंड देन ये हम पहुँच गए अपने चारबाग रेलवे स्टेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो बाय बाय, टेक केयर गाइज़।